करीबन यहाँ से लॉक करके घर गया था। दो नीचे कोई मतलब ताला नहीं था, बस नॉर्मल वैसे ही चिटकने लगाई हुई थी। और ऊपर दो कमरों में, एक में मेरे बड़े भैया सो रहे थे और एक में मेरी वाइफ सो रही थी। और 2 बजे मैं गया हूँ और करीबन करीबन 2:10-5 पे वो आए हैं, क्योंकि मेरे पास 2:55 पे फ़ोन आ गया था कि ऐसा ऐसा हुआ है। तो उसी बीच में 35-40 में उन्होंने वो कार्रवाई की है। मेरी वाइफ सो रही थी, उन्होंने गेट मतलब नीचे तो कोई था नहीं, ओपन था और न कोई ताला वगैरह था, तो पहले तो उन्होंने नीचे साफ़ किया है सब कुछ। और क्यों उसके बाद में वो ऊपर गए, एक कमरे में मेरे भैया सो रहे थे और एक कमरे में वाइफ सो रही थी, तो उन्होंने 3-4 नोक किया, तो क्योंकि शादी का घर था तो उन्होंने खोल दिया कि कोई हो सकता है। तो उसके बाद में उनको चक्कू दिखा के उनसे उनके सारे गहने लिए उन्होंने, के गहनों में क्योंकि 5 अंगूठियाँ थी जी सोने की, और कंगन थे, कानों के बालियां थी, और कैश था जी, कैश जी 5 से 10 हज़ार रुपए के बीच में था। तो ऊपर नीचे दोनों जगह चोरी की? हाँ जी, नीचे की है, बाकी बिकॉज क्योंकि हम तो बाहर से आए हुए थे तो हमको हमारा पता है, क्योंकि उसके अलावा और क्या लिया है नहीं लिया हमने, न तो छेड़ा न हमको पता है जी। रात को हमें इतला मिली थी कोई शादी वाले से चोरी हो गया, तो रात को भी हम आए थे, शाइया वाले भी आ रहे थे, कैमरे वगैरह देखे थे, तो उस समय जो घर वाले थे वो घर पे नहीं थे, एक इनके रिश्तेदार थे वो थे ऊपर, उनके साथ उन्होंने जो उसके जेवर पहने हुए थे वो लूट के ले गए हैं। तो अब घर वाले आ रहे हैं, वो छानबीन कर रहे हैं, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट हमने बुलाए हैं, शाइया वाली टीम भी आ रही है, हमारी साइबर सेल भी आ रही है, लग रहे हैं कोशिश करेंगे शाम तक उसको ट्रेस करेंगे। सर्दी का मौसम है, लोगों से भी कह रहे हैं भाई घर सोना छोड़ के ना जाएं, थोड़ा ध्यान रखें, अलर्ट रहें।